Dear students, today we are going to learn techniques of scientific management. In last lecture, we have studied the principle of scientific management given by F.W. Taylor. F.W. Taylor has also given the techniques of scientific management. With the help of the principles of F.W. Taylor, we have understood that there should be the scientific selection, scientific analysis and scientific work should be done in the management while performing the managerial activities. So what are the scientific techniques and scientific methods? In this lecture we will learn all the scientific methods. तो F.W. Taylor के principle से हमको पता चलता है कि किस तरह से scientific method का use होना चाहिए मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. तो मैनेजमेंट के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के साथ साथ F.W. Taylor ने टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताए हैं. तो आज हमको सीखना है कि क्या कौन सी टेक्निक यूज़ की जानी चाहिए. तो F.W. Taylor जो बता रहा है कि मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट है, किस तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट में कौन सी साइंटिफिक टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं और साइंटिफिक टेक्निक क्या होगी, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में आज हम सीखेंगे. तो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में नंबर वन टेक्निक आती है वर्क स्टडी. तो वर्क स्टडी पहली टेक्निक है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में. वर्क स्टडी में F.W. Taylor ये कहता है कि जब हम एम्प्लॉइज़ को कोई भी टास्क, कोई भी जॉब, कोई भी वर्क असाइन कर रहे हैं तो उसको असाइन करने से पहले वर्क का स्टडी होना चाहिए, वर्क का एनालिसिस होना चाहिए. वर्क स्टडी में क्या क्या शामिल होता है? वर्क स्टडी में जो चीज़ें आती हैं वो होता है ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ वर्क. और वर्क स्टडी ये बेस्ड है डिफरेंट मेथड्स ऑफ वर्क स्टडी. तो वर्क स्टडी में अलग अलग मेथड है जो हम देखेंगे. वर्क स्टडी में मेथड आते हैं टाइम स्टडी आता है, उसके बाद मेथड स्टडी है, मोशन स्टडी है, फटिग स्टडी है. तो ये फोर टाइप्स के जो है वर्क स्टडी है. तो इन वर्क स्टडी को परफॉर्म करने के बाद ही जो है मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉइज़ को जॉब असाइन करना चाहिए. सो अंडरस्टूड. According to this principle, according to this method given by F.W. Taylor, there should be the work study before assigning the job to the employees or before assigning the work to the employees. Work study consists of organized, systematic and analytical study of the work assigned to the employees. Work study is based on time study, method study, motion study and fatigue study. So in work study, what you understood, before assigning the work we should study the work. To whom we are going to assign the work? To the employees. So what are the methods of work study? We will see one by one. So number one method is time study. तो वर्क स्टडी में सबसे पहला आ रहा है टाइम स्टडी. तो F.W. Taylor कहता है कि जब हम वर्क असाइन कर रहे हैं तो टाइम स्टडी होना चाहिए. अब टाइम स्टडी यानी क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम. टाइम रिकॉर्ड करना है. किस चीज़ का टाइम रिकॉर्ड करना है? जो हम एम्प्लॉइज़ को वर्क असाइन कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉइज़ कितने टाइम में अपने काम को पूरा कर रहा है. तो टाइम को रिकॉर्ड करना और टाइम का फिक्सिंग करना ये किस में आता है? टाइम स्टडी में आता है. टाइम स्टडी की मदद से हम एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर सकते हैं जिसके बेसिस पर एम्प्लॉइज़ जो है उस स्टैंडर्ड टाइम में अपने काम को पूरा करेंगे, जिससे जो है हर एम्प्लॉइज़ की वर्किंग एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव होती है. ठीक है. सो टाइम स्टडी मेथड, अंडर दिस मेथड देर इज़ अ रिकॉर्डिंग एंड फिक्सिंग ऑफ टाइम ऑफ द एम्प्लॉइज़. सो this is very essential to complete the task in a proper time given by the management. With the help of time study we are able to fix the standard time for the employees to complete that task in a given condition by the management. So this method is useful for
टू डिसाइड द स्टैंडर्ड टाइम. काम का स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करने के लिए ये जो है मेथड यूज़फुल होता है, ठीक है, जिसकी मदद से हम एम्प्लॉयज़ का टाइम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और टाइम उनका फिक्स कर रहे हैं कि ये टाइम में आपको पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करना है, ठीक है. अब उसके बाद दूसरा मेथड हम देखते हैं, वो है मेथड स्टडी. मेथड स्टडी यानी आपको पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के अलग अलग मेथड होते हैं. देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो अलग अलग मेथड में से एक बेस्ट मेथड चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमको हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए. तो एक एफिशिएंसी लाने के लिए, क्वालिटी लाने के लिए एक बेस्ट मेथड का सिलेक्शन होना ज़रूरी है. और सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मेथड इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क और चैलेंजिंग टास्क फॉर द मैनेजर. मैनेजर के लिए एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है. बहुत सारे मेथड हैं, कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा, कौन सा मेथड जो है बेस्ट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये सिलेक्ट करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक चैलेंजिंग टास्क होता है. तो इसके लिए मैनेजमेंट को वर्क का स्टडी करना चाहिए, डिफरेंट मेथड का स्टडी करना चाहिए. सारे मेथड का स्टडी करने के बाद जो है उनको एक बेस्ट मेथड डिसाइड करना चाहिए जिसके बेसिस पर सारे एम्प्लॉयज़ को वर्क एलोकेट किया जाए, ठीक है. तो इस मेथड के ज़रिए जो है क्या फ़ायदा हो रहा है, बेस्ट मेथड यूज़ करने की वजह से एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम इजीली अचीव कर सकते हैं, ठीक है. सो FW टेलर हैज़ गिवन द सेकेंड मेथड ऑफ वर्क स्टडी, दैट इज़ मेथड स्टडी. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वर्क अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो अमंग दिस ऑल दिस मेथड द बेस्ट मेथड ऑफ वर्क शुड बी चूजन बाय द मैनेजमेंट फॉर इट्स एम्प्लॉयज़. एंड सेलेक्शन ऑफ द बेस्ट मेथड इज़ एन इम्पॉर्टेंट और चैलेंजिंग टास्क फॉर द मैनेजमेंट. बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है. उसके बाद तीसरा मेथड हम देख रहे हैं, मोशन मेथड. थर्ड मेथड है मोशन मेथड. मोशन का मतलब होता है यहाँ पर मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मशीन्स टू कंप्लीट द टास्क और टू कंप्लीट द जॉब. तो मोशन का मतलब यहाँ पर क्या है, मूवमेंट हो रही है किसकी, एम्प्लॉयज़ की और जो मशीनरीज हैं अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशन में इनका मूवमेंट हो रहा है किस लिए, टू कंप्लीट अ टास्क. एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, काम को कंप्लीट करने के लिए मूवमेंट हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि जो एम्प्लॉयज़ का मोशन हो रहा है या फिर मशीनरी का मोशन हो रहा है तो इस में से कौन सा सीक्वेंस बेस्ट रहेगा, कौन से एम्प्लॉयज़ का काम कहाँ सूटेबल रहेगा, मशीनरी का रिप्लेसमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो अननेसेसरी एम्प्लॉयज़ को एलिमिनेट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मोशन मेथड से हमको पता चलती है या फिर मोशन स्टडी से हमको मालूम पड़ती है. तो मोशन स्टडी की मदद से मैनेजमेंट जो है राइट एम्प्लॉयज़ को जो है राइट जगह पर जो है काम करने के लिए असाइन कर सकते हैं और राइट मशीनरी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. अननेसेसरी जो वर्क होता है उसको रिमूव किया जा सकता है और एम्प्लॉयज़ की पोजीशन को चेंज किया जा सकता है. तो इस स्टडी की मदद से हम जो है वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल और वेस्टेज ऑफ टाइम को जो है रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. सो मोशन स्टडी मेथड मीन्स मोशन मूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड मशीनरीज टू कंप्लीट अ टास्क. एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट टू एलिमिनेट द अननेसेसरी एम्प्लॉयज़ एंड
to change the sequence of the machinery and employees for doing a particular job. And it is also helpful for the organization to achieve the objectives of organization. With this study, motion study method, we are able to eliminate the wastage of time and wastage of raw material. इसके बाद work study में अगला study आता है fatigue study. fatigue study, अब fatigue study किसे कहते हैं? fatigue means it is physical and mental stress, that is in simple word you can say that's tiredness of the people. ठीक, तो fatigue का मतलब होता है tiredness, mental और physical stress, यानी जो थकावट होती है mentally और physically workers की, उसे कहा गया है fatigue study. ठीक है, तो अब ये study किस लिए ज़रूरी है? ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो साइंटिफिकली हमको सारी चीज़ों का स्टडी करना है. तो सबसे पहले हम किसका स्टडी कर रहे हैं, वर्क स्टडी है ना, तो वर्क स्टडी में फटिग स्टडी. तो फटिग स्टडी में हमको ये देखना है कि जैसे एम्प्लॉयज़ को जो है बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, काफ़ी वर्किंग आवर्स होते हैं विदाउट एनी रेसेस और एनी देर इज़ नो एनी एक्सेप्शन फॉर द एम्प्लॉयज़, देर इज़ नो एनी फ्री टाइम फॉर द एम्प्लॉयज़. तो फटीग क्यों होता है एम्प्लॉयज़ को, वर्कलोड ज़्यादा होता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होता है. ठीक है, तो हेवी इक्विपमेंट्स होते हैं, फर्नीचर होते हैं, मशीनरी होते हैं, इनका यूज़ करने के बाद एम्प्लॉयज़ जो है फिजिकली और मेंटली जो है स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ की वर्किंग एफिशिएंसी जो होती है कम होती है. तो इसलिए मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एम्प्लॉयज़ का फटिग स्टडी करे, उनका वर्कलोड कितना है, कितना वर्किंग आवर्स दे रहे हैं, उनको जो है रेसेस मिल रहे हैं नहीं, कोई ब्रेक मिल रहा है नहीं काम के दौरान, है ना, अच्छी वर्किंग कंडीशन उनको प्रोवाइड हो रही है नहीं, इसका स्टडी करके जो है उनका जो है मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस को रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ इफ़िशेंटली काम करेंगे, सेफली काम करेंगे विथ ऑनेस्टी एंड इफ़िशेंसी के साथ, तो जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट गोल्स को हम इजीली अचीव कर सकते हैं. ठीक है, सो फटीग स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट, एज वी नो दैट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ are working in the organization and there is a long working hours without any break and heavy equipments, tools are to be handled by the employees and they have to work continuously in the organization, and because of which the employees feel the mentally and physically stress, which results into inefficiency of the performance of employees and which ultimately results into the lower productivity and low profitability. Therefore, the management should remove the mental and physical stress of the employees. They should carefully study about this method. ठीक है, तो ये पहला हमने method देखा, work study method. ठीक है, तो work study पहली technique हमने देखी techniques of scientific management में, work study. अब second हम देखते हैं इसमें स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की दूसरी टेक्निक आप देख रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. तो इस टेक्निक्स में F.W. टेलर ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, यानी जो भी मशीनरी यूज़ की जा रही है, उनका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए. ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का, यानी
जो मशीनरी यूज़ हो रही है उनका स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स यूज़ करना चाहिए, लेटेस्ट मशीनरी यूज़ करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए हमने अपने एम्प्लॉयज़ को, तब जाके एम्प्लॉयज़ जो है अपने काम को आसानी से पूरा कर सकेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए FW टेलर ये कहता है कि स्टैंडर्ड मशीनरी का इस्तेमाल करना चाहिए, आउटडेटेड मशीनरी जो होते हैं उनका यूज़ नहीं होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर सेज दैट देर शुड बी द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, देर शुड बी द स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट फॉर द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर जॉब। इफ द स्टैंडर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आर यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल रिड्यूस एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये दूसरा बेनिफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम ये टेक्निक यूज करते हैं। अब नेक्स्ट टेक्निक हम देखते हैं, साइंटिफिक टास्क सेटिंग। साइंटिफिक टास्क सेटिंग, टास्क का मतलब है वर्क, है ना? तो FW टेलर ये कहता है कि जो भी हम वर्क असाइन कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, जो भी वर्क की सेटिंग कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, वो कैसी होना चाहिए? साइंटिफिकली होना चाहिए। साइंटिफिकली वर्क की सेटिंग होना चाहिए यानी ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना चाहिए कि स्टैंडर्ड वर्क क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है। किस तरह से मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट डिसाइड करेगा जब ये सारे जॉब की एनालिसिस करेगा, कौन सा एम्प्लॉय किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, कितने टाइम में वर्क को कंप्लीट कर रहा है। तो साइंटिफिक सेटिंग अगर हम करेंगे वर्क की, तो हमारा जो है स्टैंडर्ड वर्क अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड की मदद से एम्प्लॉयज़ को प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है कि वो अपनी कैपेसिटी से कम काम करें। तो एम्प्लॉयज़ अपने कैपेसिटी से कम काम करने से रोकने वाला मेथड है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ये बताता है कि आपका स्टैंडर्ड वर्क ये स्टैंडर्ड वर्क को आपको अचीव करना है। तो ये मेथड हेल्पफुल होता है एम्प्लॉयज़ को अपने कैपेसिटी के हिसाब से काम करने के लिए मदद करता है। ठीक है, सो दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर द एम्प्लॉयज़। अंडर दिस मेथड द वर्क शुड बी सेट अप साइंटिफिकली, देर शुड बी द साइंटिफिक सेटिंग ऑफ द वर्क विच इज़ assigned to the employees. So under this method, the employees are prevented from doing their job below their capacity. In this method, the work is decided according to the standard work. So standard work set by the management should be achieved by the organization or employees. This method provides very useful things for the management, which helps the management to control the employees and to achieve the standard work from its employees. उसके बाद next है scientific selection. अब अगली टेक्निक है साइंटिफिक सिलेक्शन। तो FW टेलर ये कहता है कि जब एम्प्लॉयज़ काम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, तो साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए, साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए। यानी जब भी हम जॉब का रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से है, जॉब स्पेसिफिकेशन बताना चाहिए कि इस रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद और एक स्टैंडर्ड मेथड जो है डिसाइड करना चाहिए, डिटरमाइन करना चाहिए रिक्रूटमेंट का, एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन का, कि उनका इंटरव्यू किस तरह से लेना चाहिए, कौन से टाइप के टेस्ट लेना चाहिए, है ना? तो ये सारे टेस्ट लेने के बाद जो है एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करना चाहिए, उसी के साथ साथ सिलेक्शन के साथ साथ एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग भी होना चाहिए, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। साइंटिफिकली जब हम एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन बताकर, डिफरेंट टाइप्स के हम जो है उनके टेस्ट लेंगे,
तब हम जब उसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद जब वो ज्वाइन करता है तो उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ट्रेनिंग से जो है एम्प्लॉइज़ की जो है काम करने की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है और जो है कंपनी के काम को समझने में जो है आसानी होती है। सो अंडर दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. Taylor says that there should be the scientific selection and training of employees. It means at the time of recruitment, the management should determine the job specification according to the requirement of the job. While we are going to select the employees or appoint the employees, we should take their proper test, proper training should be provided after selection of that employees, because training is important to develop the employees to understand the work. That's why this method is very useful for scientifically conducting the management activities. अब जैसे आप scientific selection and training, इस method में हमने सीखा कि employees का selection scientific होना चाहिए और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए। तो ट्रेनिंग में जो होता है वो अलग अलग ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ये एक इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग उनको दी जाती है, अगर नए एम्प्लॉयज़ है तो इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग के बाद जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी उनको दी जाती है, जब एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो फिर उनको जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है साइंटिफिकली होना चाहिए अकॉर्डिंग टू F.W. Taylor। उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इस टेक्निक्स के मुताबिक F.W. Taylor क्या कहना चाहता है, देखो, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शन होते हैं उसको डिवाइड करना चाहिए। ये F.W. Taylor का कहना है कि किस तरह से डिवाइड करना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, एक होता है प्लानिंग का और दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन का। तो F.W. Taylor कहता है कि प्लानिंग वर्क जो है अलग लोगों के पास होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है अलग लोगों के पास होना चाहिए। तो ये डिवीजन ऑफ प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन पर यहाँ पर उसने जोर दिया है। तो प्लानिंग कुछ लोग मिलकर बनाएंगे और इम्प्लीमेंट जो है उसको अलग लोग मिलकर करेंगे। तो यहाँ पर इस टेक्निक में F.W. Taylor ने टोटल जो है 8 फोरमैन का जो है सजेशन इसने दिया है। 8 फोरमैन का अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है इसके मुताबिक, 8 फोरमैन, 8 सुपरवाइज़र। अब 8 सुपरवाइज़र इसने बताए, 8 फोरमैन इसने बताए। अब वो कौन कौन से लेवल पर, एक है प्लानिंग लेवल पर उसने 4 बताए हैं और उसके बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन पर 4 बताए हैं। तो प्लानिंग लेवल पर जो है उसमें उसने बताया है इंस्ट्रक्शन क्लर्क है, टाइम क्लर्क है, डिसिप्लिन क्लर्क है, ठीक है, स्टडी क्लर्क है। तो इस तरह से 4 प्लानिंग लेवल पर, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर जो है उसने बताया है गैंग बॉस है, उसके बाद है ऑर्डर बॉस है, उसके बाद जो है सिक्योरिटी है, ऑर्डर है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसने बताई है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। सो देर इज़ अ डिविजन ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिफिक मेथड। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ का डिवीजन बता रहा है यहाँ पर, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन शुड बी डिवाइडेड। सो प्लानिंग विल बी डन बाय द टॉप मैनेजर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन वर्क विल बी डन बाय द ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं और लास्ट टेक्निक, डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान। अब इस टेक्निक के मुताबिक F.W. Taylor ने क्या सजेस्ट किया है मैनेजमेंट के लिए, ये हमको देखना है। F.W. Taylor कहता है कि डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। पीस रेट वेज प्लान यानी एम्प्लॉयज़ को हम जो सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, वो डिफरेंशिएट होना चाहिए यानी अलग अलग होना चाहिए। सारे एम्प्लॉयज़ को सेम सैलरी सेम वेजेस नहीं होना चाहिए। तो
पीस वेज रेट प्लान डिसाइड करना चाहिए। पीस वेज रेट प्लान किस तरह से डिसाइड किया जाएगा? तो FW टेलर कहता है कि जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड वर्क से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर वेजेस प्रोवाइड करनी चाहिए। और जो एम्प्लॉयज़ स्टैंडर्ड वर्क को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्ड वर्क उतना काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको वेज रेट जो है कम करना चाहिए। अगर वेज रेट प्लान उनके परफॉर्मेंस, उनके काम के हिसाब से हम वेजेस और सैलरी देंगे, तो एवरेज एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो मोटिवेट हो जाएंगे। एवरेज एम्प्लॉयज़ देखेंगे कि हाँ भाई, अगर हम अच्छा काम करेंगे, स्टैंडर्ड वर्क को जो है अचीव करेंगे, तो हमारा इंक्रीमेंट हो सकता है, हमारी भी सैलरी बढ़ सकती है, हमारी भी वेजेस बढ़ सकती हैं। तो इस तरह से वेज रेट प्लान बनाने से जो है ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं और उनके काम करने की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ठीक है, सो FW टेलर सेज दैट देर शुड बी द पीस वेज रेट प्लान फॉर द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स द रिम्यूनरेशन और द सैलरीज और वेजेस गिवन टू द एम्प्लॉयज शुड नॉट बी सेम, देर शुड बी द डिफरेंशियल वेजेस और सैलरीज फॉर द एम्प्लॉयज। दिस साइंटिफिक method or this scientific technique is very useful for the employees to improve their work. And FW Taylor says that those employees who are performing more than the standard work, such type of employees should be given more wages and salaries. And those who are not achieving the standard work, their wages and salary should be reduced by the management. If this method will be adopted, then employees will be motivated to achieve according to the standard work and their efficiency will automatically increase and the organizational objectives can be achieved easily. So, ye the techniques of scientific management. To ye techniques agar hum management एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, ये टेक्निक्स अगर हम फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है सक्सेस इजीली मिल सकता है। तो ये टेक्निक्स आप देख रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स है जिसको FW टेलर ने दिए। पहले उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बताए, अब उस प्रिंसिपल पर काम किस तरह से करना है ये टेक्निक्स देकर उसने हमको बताया, ये सिखाया कि प्रिंसिपल पर काम किस तरह से करना चाहिए। वर्क स्टडी होनी चाहिए, वर्क स्टडी में उसने बताया चार वर्क स्टडी मेथड। ठीक है, तो चार वर्क स्टडी में टाइम स्टडी करना चाहिए, टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए, टाइम को फिक्स करने के लिए। उसके बाद मेथड स्टडी हम उसने बताया कि कौन सा बेस्ट मेथड यूज़ करना चाहिए काम को पूरा करने के लिए, उसका सिलेक्शन होना ज़रूरी है। मोशन स्टडी मेथड उसने बताया, मोशन स्टडी मेथड में किस तरह से एम्प्लॉयज़ और मशीनरी का मूवमेंट जो है राइट प्लेस पर होना चाहिए, वेस्टेजेस को रिमूव करना चाहिए, रॉ मटेरियल के वेस्टेजेस को रिड्यूस करना चाहिए। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए मोशन होना ज़रूरी होता है, एम्प्लॉयज़ की जगह चेंज होना, मशीनरीज़ की जगह चेंज होना, सिक्वेंस में रहना, ये ज़रूरी होता है। उसके बाद फटिग स्टडी से FW टेलर ने यह बताया कि किस तरह से एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में मेंटली और फिजिकली थक जाते हैं, किस तरह से उनको प्रेशर पड़ता है अगर हम लॉन्ग वर्किंग आवर प्रोवाइड करेंगे, कोई उनको ब्रेक नहीं देंगे, है ना, और हेवी इक्विपमेंट्स है उनको हैंडल करना है, तो किस तरह से एम्प्लॉयज़ मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस में आ जाते हैं। उनको स्ट्रेस को कम करना चाहिए, एक फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये वर्क स्टडी में इतने हमने चीज़ें देखी। उसके बाद वर्क स्टडी के बाद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, यानी जो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये कहता है FW टेलर। अगर स्टैंडर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन फास्ट होगा और क्वालिटी वाला प्रोडक्शन हमको मिल सकता है। उसके बाद साइंटिफिक टास्क सेटिंग, यानी वर्क की जो सेटिंग है वो साइंटिफिक होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को साइंटिफिकली वर्क असाइन करना चाहिए। तो साइंटिफिक वर्क से जो है एम्प्लॉयज़ को जो है राइट जॉब उनको मिल सकता है। उसके बाद साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, सिलेक्शन जो होना है वो साइंटिफिक मेथड के ज़रिए होना चाहिए, नए नए टेस्टिंग मेथड आ रहे हैं, नए नए रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट आ रहे हैं, नए नए स्पेसिफिकेशंस होते हैं जॉब के,
उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सारे डिटरमाइन करके उसका सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन के बाद उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में FW टेलर कहता है कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन ये दोनों काम अलग अलग होना चाहिए और अलग अलग लोग इसको परफॉर्म करना चाहिए। प्लानिंग का काम अलग लोग करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन यानी उसके ऊपर काम करने का काम दूसरे लोग करेंगे। तो इसमें टोटल इसने यहाँ पर 8 फोरमैन बताया। यहाँ पर 8 फोरमैन में प्लानिंग लेवल पर 4 और इम्प्लीमेंटेशन पर 4 लोग, इस तरह से 8 फोरमैन में जो है डिवीजन किया गया है। उसके बाद डिफरेंशियल पीस वे रेट वेज प्लान, इससे ये पता चलता है कि सारे एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी और वेजेस जो होता है वो डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, जो कम परफॉर्म कर रहा है उसको लो सैलरी मिलना चाहिए। इससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये थे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो आपको एग्जामिनेशन में जो है 4 to 5 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से कोई जो है 4 मेथड या 5 मेथड आप लिख सकते हैं 4 या 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू।